वही तो है जो सुरभि को यहाँ तक लेकर आया है। तुम्हें चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अड्डू, ये है सुमेंद्र भैया की पत्नी सरोजनी भाभी। अभी ताई इधर आ गई है ना, तो अपने साथ साथ मैं तेरा कल्याण भी करके जाएगी। तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारा निशाना कभी भी नहीं चूकता, आज हमारा भी नहीं चूकेगा। अच्छा होगा अगर ये मन्नू अभी बिल्कुल चुप है, नहीं तो मास्टर ने सारी पोल पट्टी खोल देगी। तुमने हमें थप्पड़ मारा। शुक्र मनाओ कि थप्पड़ मारा है सिर्फ, वरना तुमने जो नीच हरकत की उसके बाद तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मनु? बताना होता तो अब तक चुप नहीं रहती मनु, मैदान में सबके सामने बता चुकी होती, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों को कैसे लाइन पर लाया जाता है मुझे अच्छे से आता है। ये कौन बोला? तो फिर तुम हमें प्रॉमिस करो कि तुम सुमेंद्र जी को कुछ नहीं बोलोगी, प्रॉमिस करो ना। ठीक है मनु, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सुमेंद्र को कुछ नहीं बताऊंगी। खुश? हाँ खुश। लेकिन एक और वादा है मेरा तुमसे, अगले 2 दिन में तुम इस घर से बाहर होगी। और बाबूजी, बाहर खड़े रहकर सुनने से कुछ नहीं होगा, आप भी अंदर आ जाइए। वैसे भी आप भी तो इस खेल में शामिल थे ना, आइए। देखिए ना क्या कह रही है हमें कि हमें घर से बाहर निकाल देगी, अब हम क्या करें? अब तुमसे जो हो सकता है कर लो, लेकिन तुम अब इस घर से बाहर जाओगी और ये वादा है मेरा तुमसे। भगवान को याद कर रहे हैं बेटा कि हम फादर इन लॉ भी हैं और फादर इन चुप भी हैं। मनु समझो, ये पतली हालत है। तो इसका मतलब हम घर से बाहर चले जाएंगे, हमें हमारे सुमेंद्र जी को भूलना पड़ेगा। अरे नहीं 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 मनु, तुम्हें कहीं नहीं जाना है और ना ही भूलना है सुमेंद्र जी को। तू जो कर रही हो प्रयास ना, अपना जारी रखो प्यार मोहब्बत। देखो बेटा क्या है ना कि कई बार जो काम सुई से हो जाता है ना, छोटा मोटा फुंसी फोड़ना सुई से होता है, तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा है ना कि जहां बंदूक की गोली से काम नहीं आता है वहां प्यार की गोली चलाना पड़ता है, समझी? अरे बाबूजी, जी क्या कर रहे बाबूजी? पकड़ा गए का? हाँ पकड़ा गए हैं हम, पकड़ा गए हैं हम।
अरे दिल्ली वाली मास्टरनी ने सब कुछ छीन लिया है हमसे, हमारा बेटा सुमेंदर छीन लिया इसने। अरे उस सुमेंदर जिसको इतना प्यार करते थे हम, काम नहीं किए उसके लिए। एक पैर यहाँ रहता था हमारा तो एक पैर दिल्ली में रहता था कि बाबू को कोई तकलीफ ना हो, सुमेंदर को कोई परेशानी ना हो, फोन पे फोन रिचार्ज कराते रहे, पैसा पानी की तरह बहाए। का दिया सुमेंदर ने हमको है? बोले थे बेटा को डिग्री दे दो तो ला के दे दिया ये अनाथ लड़की मास्टरनी जो हमारे माथे पे चंडी बन के नाच रही है, सब बर्बाद कर रही है, हमारा मान सम्मान, हमारा रीति रिवाज परंपरा सब। आज उस मास्टरनी के चलते इंदिरा ने हमको सबके सामने बेइज्जत किया कि उदे भी नहीं है, एक सतानल लड़की है। थोड़ा धीरे बोलिए ना, सब लोग उठ जाएंगे। हम भी आज देख लेते हैं कौन आता है हमारे बीच में। बाबूजी प्लीज आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और जो भी हो गया सो हो गया है, क्या कर सकते हैं। बाकी हमको ये सोचना है कि अब आगे का करना है बचने के लिए। अंडा सिखावे बच्चा को कि चेचे मत करो, चुप। बाबूजी आप अपने बच्चों पे काहे उस सरोजनी का गुस्सा निकाल रहे हैं, सब उसी का किया धरा है। और देवर जी उनकी बुद्धि तो इतनी ना चलती ना, मति धर्म क्या है उसका सरोजनी ने, वैसे ही इंदिरा दीदी का भी दिमाग घुमा दिया है। बाबूजी हम देवर जी के बारे में तो न कह सकते, पर इंदिरा दीदी का मति धर्म जरूर दूर कर देंगे। अरे अब तुम क्या करोगी। कुछ भी करे करने दो उसको, जो करना चाहे करने दो। बाकी एक बात जान लो, इंदिरा का मति भ्रम नहीं टूटा और उसने हमारा कहना नहीं माना ना, तो हम भी भूल जाएंगे क्यों देवी है। ऐसा करेंगे कि इंसान तो इंसान, भगवान भी काम चाहेगा। क्या हुआ? चाय गरम थी ना तो जीप चल गई। ऐसे ही होता है जब बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। कल तुमने अपने बाप का दिल कितना दुखाया इंदिरा बिटिया, उस सरोजनी के कहने पे। कोई अपने बाप का इसे अपमान करता है का? हम बाबूजी का अपमान नहीं करना चाहते थे, हम तो बस ये चाहते थे कि सरोजनी भाभी को सम्मान मिले, और हमने बस सही का साथ दिया है। बिल्कुल सही रास्ता मिला है अब जाके। बाबूजी की नजरों में अब अपना महत्व बढ़ाने का मौका चुक नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो तुम, लेकिन यही तो बताओ प्लानिंग है का? लाठी टूटे तो टूटे पर सांप भी मर जाए, ऐसी वाली प्लानिंग। मतलब ये बार जब सरोजिनी को घर से भगाने का चक्कर बाबूजी चलाएंगे ना, तब हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें ये कहने का बहाना मिल जाए कि सरोजिनी की वजह से हमारा बच्चा गिर गया, और हमें इतने बड़े झूठ से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्या बात है, एक नंबर प्लानिंग है, बिल्कुल सही। हाँ अब बच्चा पैदा करने की प्लानिंग तो ना कर सकते, झूठ को गिराने की प्लानिंग तो कर सकते हैं ना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वैसे भी 3 महीना हो चुके हैं, इससे पहले कि हमारे पेट के नक्शे पे किसी और की नजर जाए, हम ये पेट ही खाली करना है। ये सोचो कि ऐसा क्या कर सकते हैं। तुमरा और सरोजनी का युद्ध होगा, मतलब एक छोटी सी लड़ाई होगी, और उसके बाद बोल देंगे कि सरोजनी ने तुम्हारे पेट पे लात मार दी जिसके कारण बच्चा गिर गया, और इस झूठ से आसानी से बच जाएंगे हम। क्या बोलती हो?
हाँ, है ना? हाँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हाँ, देखा हमारे दिमाग का काम है, ऐसे ऐसे करो हमको। तो वादा रहा ना? वादा पक्का पक्का। युद्ध करवाना पड़ेगा, क्या करेंगे सरोजनी को और तुमको, ऐसे पेट में लात मरवानी है ना। अरे कहाँ हो गया इंद्रा, तुमका इतना सब गड़बड़ करके कह रही हो, तुमने सही किया? अरे अपने बाप का इतना अपमान करके तुम्हें सही लग रहा है? और आप जो कर रही है क्या वो सही है माँ जी? आप देख रही है ना माँ जी, हर साल इनके साथ ऐसा होता है। क्या आपको कभी भी लगा कि इतने सालों में इन्हें जो तकलीफ दी जा रही है क्या वो सही है? माँ जी आपको तो बाबूजी को समझाना चाहिए, उल्टा आप इंद्रा दीदी को समझा रही। अरे यही तो मेल नहीं खाता हमरे तुमरे में। वो हमरे पति हैं, हमरे मालिक हैं, इस घर के मालिक हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। एक माँ अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी से भी लड़ जाती है माँ जी, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब उस माँ को अपने बच्चे से प्यार हो। अगर आप नहीं लड़ सकती है माँ जी, तो इंद्रा दीदी को अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप अपनी बेटी को स्वाभाविक जिंदगी जीने ना देकर उसके साथ अन्याय कर रही है, उसकी खुशियों का गला घोट रही है माँ जी, आप उनका इंसानी हक छीन रही है उनसे। शायद तुम ठीक कह रही हो सरोजनी। श्री का सच कह रही हो? साफ साफ तो लिखा है, एकदम क्लियर। ये बंगाली बाबा ऐसा चमत्कार करते हैं कि असंभव संभव हो जाता है। इनके ट्रीटमेंट से सोनी घोख हरी भरी हो जाती है, ग्रीन ग्रीन। सौत से छुटकारा मिल जाता है और लोगों का प्यार मिल जाता है। सब पॉसिबल है, सब हैप्पी हैप्पी हो जाता है। हमने ना इनसे अपॉइंटमेंट ले लिया है कि आप हमारे साथ चलेंगी। तुम इतने दावे के साथ कह रही हो तो ऐसा करो तुम ही चली जाओ ना। उक्का है ना कि हमें घर में बहुत काम है, हम ना पाएंगे। ठीक है, हम अकेले चले जाएंगे, अलोन। जो काम बंदूक की गोली से नहीं हुआ अब प्यार की गोली से होगा। देखना कैसे मोहब्बत का रंग बरसता है। हमको जरूर बता देना। छुटकी वहां पे। हाँ। कितने दिनों बाद हम छुटकी को खुश देख रहे हैं। बाबूजी ने इसे देवी बनाकर इसका बचपन छीन लिया था, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाए। कित खेल रही हो? अच्छा किया बेटी, कल ना सारे गांव वालों के सामने हमारा नाक कटवा के तुमने बढ़िया बेटी धर्म निभाया। देखे तो दीजिए आखिर बाबूजी चाहते क्या। कल जो गलती किया है ना तुमने उसका प्रायश्चित होगा आज।
कहा है ना बिटिया कि किसी के बहकावे में आके हम अपने घर का धर्म कर्म नहीं छोड़ सकते। आज शाम को गुरुजी आने वाले हैं, तो पहले इंदिरा बेटी का शुद्धिकरण होगा, तो उसके बाद फिर से देवी का दर्जा मिलेगा इंदिरा बिटिया को। और गांव वालों का क्या है, है? वो तो भक्ति के भूखे लोग हैं, कल वापिस आके हमने देवी के पैर पे माथा पटकने लगेंगे। बस सुधर जा दुष्यंत, ये घोर अत्याचार मत कर। कितनी बार तुम्हारे खिलाफ बातें हो चुकी हैं, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता। देखो, इंदिरा बेटी को इस ढकोसले से मुक्त कर दो, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो इस बेचारी को। समझाओ मत हमको, वही होगा जो हम कहेंगे। फालतू। अरे सपनिया, हाँ देवी पूजन की तैयारी करवा। सुमित्र, मुझे कुछ करना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। अच्छा, तो इस उम्र में अपने पति का वशीकरण करना चाहती हो? सुंदर, अति सुंदर। वैसे तुम्हारे चेहरे पर अभी तेज है। ये कौन बोला? बाबा जी, ये नहीं, इनके पति तो इनके खूटे से बंधे हुए हैं। बिल्कुल कंट्रोल में है। वो क्या है ना, हमको जरूरत थी, हम चाहते हमारे हस्बैंड हमको टूट के प्यार करे, अपनी दूसरी वाइफ को जड़ से भुला दे। कुछ ऐसा कीजिए बाबा जी, हमारा पति हम पे फिदा हो जाए, हमें अपने बाहों में झूला झुलाया करे। अच्छा, तो दूसरी बीवी का चक्कर है? मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि एक महीने के अंदर तुम्हारा पति दूसरी बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास भागा चला आएगा। ये कौन बोला? बाबा जी, एक महीने का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ कुछ ऐसा बताइए कि एक नजर में काम हो जाए, नहीं तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जो दो दिन का हो। वो क्या है ना, हमको हमारा पति करवा चौथ से पहले चाहिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा होगा। ये कौन बोला? मन्नू से महंगा कुछ भी नहीं है, नथिंग। मनी की आप टेंशन ना लीजिए, मनी की हम रिंग करा देंगे, रिंग। बस आप हमारा काम करा दीजिए। तो ठीक है, ये लो जड़ी बूटी, ये तुम्हारी हर परेशानी का हल है। इसका असर एक घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम हमेशा अपने पति के आसपास ही रहना, कोई भी उसके पास भटकने ना पाए। देखना बाबा का चमत्कार, कैसे तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता है। अब बंदूक की गोली से नहीं, प्यार की गोली से आओगे और हमेशा के लिए हमारे हो जाओगे, माय डियर हस्बैंड। अब क्या करेंगे सुमित्र? बाबूजी तो गुरुजी को घर पर बुला रहे, पर जब बाहर का कोई होगा भी नहीं तो अपने ढकोसले को पूरा करने के लिए बाबूजी किसी भी हद तक जा सकते। कैसे बचाऊं इंदिरा दीदी को इन फालतू के शुद्धिकरणों से? कुछ भी करेंगे, लेकिन अब वो सब नहीं होने देंगे। बात कर लिया बाबूजी ने। हमें दुख रहा है मामी, क्यों करवा रहे हो ये सब? कहीं नहीं करना, करना पड़ेगा। ये आप क्या कर रही है सपना भाभी? फिर से वही तमाशा। भाभी, जब गांव वालों ने मान लिया है कि इंदिरा दीदी कोई देवी नहीं है, तो
फिर आप क्यों नहीं मान रही है? काहे माने हम? छीके कोई ना कटावे हम, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम तो चुप ही रहो। और गांव वाले कौन सा हमरा खर्चा दे रहे हैं कि जो वो कहेंगे वो हम सब करेंगे? हमने जिसे एक बार देवी मान लिया तो मान लिया, और इंदिरा दीदी को गांव वालों के सामने देवी का दर्जा हम वापस दिला के रखेंगे। Let's go.